ये बात है उस दौर की जब लॉर्ड विलिंगटन भारत के वॉइसरॉय थे। एक बार उन्होंने वॉइसरॉय हाउस में पार्टी रखी। इस पार्टी में भारत की कई रियासतों के राजा भी शरीक हुए। इनमें से एक थे अलवर के महाराजा जयसिंह प्रभाकर। जयसिंह ने एक बेहद खूबसूरत अंगूठी पहन रखी थी। डिनर के दौरान लेडी विलिंगटन की नजर उनकी अंगूठी पर पड़ी तो उन्होंने उसकी तारीफ की। ये वो दौर था जब वॉइसरॉय और उनकी पत्नी को कुछ पसंद आता तो राजा को वो चीज उन्हें गिफ्ट करनी होती थी। जयसिंह ने भी यही किया। उन्होंने लेडी विलिंगटन को ये रिंग गिफ्ट कर दी। हालांकि लेडी विलिंगटन ने उसे करीब से देखने के बाद जब राजा को इसे फिर से लौटाना चाहा, तो जयसिंह ने एक वेटर को बुलाया और उसकी ट्रे में अंगूठी रखवा दी। उन्होंने वेटर से एक पानी का कटोरा मंगवाया और अंगूठी धुलवाने लगे। उनकी ये हरकत देख पार्टी में मौजूद मेहमान दंग रह गए। कहते हैं कि इस घटना के बाद से ही वो अंग्रेजों की नजरों में चढ़ गए थे। लेकिन सवाल ये आता है कि जयसिंह ने ऐसा किया क्यों? क्या वो बहुत बड़े देशभक्त थे या वो अंग्रेजों को नीचा दिखाना चाहते थे, या वाकई लेडी विलिंगटन के छूने से उनकी अंगूठी अपवित्र हो गई थी? ब्रिटिश इतिहासकार लिखते हैं कि जयसिंह को ये वहम था कि वो भगवान श्री राम के अवतार हैं। अंग्रेज ही नहीं, खुद उनके राज्य के लोग भी उन्हें छू ना सके, इसलिए वो हमेशा काले रंग के दस्ताने पहनकर रखते थे। यहाँ तक कि ब्रिटेन के बादशाह से हाथ मिलाने के लिए भी उन्होंने अपने हाथों से दस्ताने नहीं उतारे। उनके राज्य में सारे आदेश श्री राम के आदेश के रूप में जारी होते थे। कहते हैं कि जयसिंह ने अपने दरबार के कई पंडितों को तो ये हिसाब लगाने में रखा था कि भगवान श्री राम की पगड़ी कितनी बड़ी थी, ताकि वो भी उसी हिसाब से अपनी पगड़ी बनवाएं। अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर लिखते हैं कि जयसिंह इतने क्रूर थे कि जब वो शेर का शिकार करने जाते तो शेर को अपने दायरे में लाने के लिए वो बकरे या कुत्ते की बजाय गांव वालों के बच्चों को उठाकर शेर के आगे फेंक दिया करते थे। लेकिन अगर इतिहास की उन किताबों को देखें जो इंडियन हिस्टोरियंस ने लिखी है, तो महाराजा जयसिंह का कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन बिल्कुल अलग मिलता है। इनके मुताबिक वो कट्टर देशभक्त थे। उन्होंने अलवर में पंचायतों का जाल बिछाया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU और सनातन धर्म कॉलेज जैसे कॉलेजों को डोनेशन दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदी को अलवर की राजकीय भाषा का भी दर्जा दिया था। वही अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं कि एक बार पोलो के मैच के दौरान उनके घोड़े ने जिद पकड़ ली। लाख कोशिशों के बावजूद भी जब वो टस से मस नहीं हुआ तो उन्होंने कैरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया था। यानी कि इंडियन हिस्टोरियंस जिसे दयालु बता रहे हैं, अंग्रेज उसी को बेहद क्रूर कह रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या वाकई महाराजा जयसिंह इतने क्रूर थे? यदि हाँ, तो फिर वो अलवर के राजा कैसे बने? और अगर नहीं, तो अंग्रेजों ने उनके बारे में ये सब क्यों लिखा? अब कौन था सच्चा और कौन था झूठा, ये जानने के लिए हमें चलना होगा अलवर रियासत के इतिहास में, जो भानगढ़ के सच को भी सामने लाता है। देश की राजधानी दिल्ली से 185 किलोमीटर दूर बसे अलवर की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें, तो पता चलता है कि अलवर के एक तरफ हरियाणा है और दूसरी तरफ अरावली के पर्वत है। इसके पड़ोस में दिल्ली और भरतपुर है। अलवर की कहानी शुरू होती है महाभारत काल से, जब इसे मत्स्य जनपद कहा जाता था। इसी मत्स्य जनपद में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया और यहीं की राजकुमारी उत्तरा के साथ अभिमन्यु की शादी हुई। आगे चलकर ये इलाका मौर्य राजाओं के अधीन हो गया। कहते हैं कि उस दौर में पंजाब से होकर साउथ इंडिया में जाने वाले व्यापारी इसी रास्ते से होकर गुजरते थे, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु आकर बस गए ताकि उन्हें दान मिल सके। इसीलिए बौद्ध स्तूप और चैत्र विहारों के अवशेष आज भी अलवर के पास विराट नगर या कहें कि बैराट में मिलते हैं। इतिहास बताता है कि 11वीं सदी में ये इलाका आमेर का हिस्सा था।
आमेर के राजा काकिल ने अपने बेटे अलागराज के नाम पर इस जागीर का नाम अलपुर रखा, जो बाद में अलवर बन गया। अलवर, भरतपुर और आसपास के कई इलाकों को मिलाकर इसे मेवात कहा गया। कहते हैं कि 12वीं सदी आते आते अलवर पर जाड़ो राजपूतों का राज हो गया। लेकिन फिर आया साल 1320, जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा फिरोज शाह तुगलक। कहते हैं कि तुगलक ने जाड़ो राजपूतों का जबरदस्ती धर्म बदलवा कर उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया। धर्म बदलकर जाड़ो राजपूत राजा खानजाद कहलाए और आम लोग कहलाए मेव मुसलमान। मेव मुसलमान 50% हिंदू और 50% मुस्लिम रिवाजों को मानते थे। खैर, जैसे जैसे वक्त बीता, ये इलाका पूरी तरह खानजाद राजाओं के कब्जे में आ गया। इन राजाओं ने ही मीणा राजाओं को हराकर बाला किला जीत लिया और एक मजबूत दुर्ग बनाकर अलवर पर राज करने लगे। लंबे समय तक अलवर पर इन्हीं राजाओं का राज रहा। 16वीं सदी की शुरुआत में जब हसन खान मेवाती राजा बने, तभी साल 1527 में बाबर भारत पर हमला करता है। बाबर को रोकने के लिए राणा सांगा खानवा में उससे जंग लड़ते हैं। इस जंग में हसन खान मेवाती भी राणा सांगा के साथ थे। हालांकि ये युद्ध बाबर जीत जाता है। इसी के साथ ही अलवर, तिजारा और आसपास का पूरा इलाका बाबर के कब्जे में आ जाता है, जिसे नाम दिया जाता है तिजारा सरकार। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आगे चलकर मुगलों ने अलवर भरतपुर का ये पूरा इलाका जयपुर को दे दिया और यहीं से भानगढ़ की कहानी भी सामने आती है। कहते हैं कि आमेर के राजा भगवान दास ने अपने बेटे को भानगढ़ की जागीर दी थी। तब भानगढ़ में एक किला बनवाना शुरू किया गया। किले का कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था कि इसी बीच जयपुर राजघराने के लोग आपस में ही लड़ने लगे। इसी वजह से भगवान दास के बेटे को परिवार समेत वापस जयपुर आना पड़ा और उन्हें भानगढ़ की जागीर भी छोड़नी पड़ी। डिस्प्यूटेड होने के कारण भानगढ़ फोर्ट को किसी ने भी पूरा नहीं बनवाया और इसी वजह से ये किला आधा अधूरा और वीरान ही रह गया। वक्त के साथ साथ भानगढ़ को भूत प्रेत की कहानियों से जोड़ दिया गया ताकि यहाँ टूरिस्ट आते रहें। खैर, ये समय का चक्र ही कह लीजिए कि अलवर की नई कहानी भी जयपुर से ही शुरू होने वाली थी। वो ऐसे कि 18वीं सदी में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। वहीं दूसरी तरफ साल 1743 में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द सेकंड का भी देहांत हो गया। अब जयपुर पर ना मुगलों का कंट्रोल रहा, ना वहां के राजा का। ये भी तय नहीं हुआ था कि जयपुर का अगला राजा कौन बनेगा। इसीलिए जयसिंह के बेटों में राजा बनने की होड़ मच गई। जयपुर राज परिवार की इस फूट का फायदा उठाकर महाराजा सूरजमल ने भरतपुर को अपने कंट्रोल में ले लिया और उसे एक नई रियासत बना दिया। अब जैसे तैसे करके महाराजा माधो सिंह जयपुर के राजा बने कि तभी जयपुर समेत पूरे उत्तर भारत पर मराठों ने हमले शुरू कर दिए। उस समय जयपुर की एक जागीर थी माचेड़ी। माचेड़ी के जागीरदार थे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह कछावा राजवंश की नरुका शाखा से आते थे। उन्होंने माधो सिंह का साथ दिया और मराठों के खिलाफ कई युद्ध लड़े, लेकिन बाद में माधो सिंह से उनकी अनबन हो गई। इसीलिए उन्होंने मराठों और जाटों से संधि कर ली और माचेड़ी समेत पूरा आसपास का इलाका अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने अलवर को अपनी राजधानी बनाया। उनके कहने पर मुगल बादशाह शाह आलम द सेकंड ने अलवर को जयपुर से अलग एक नई रियासत का दर्जा दे दिया। प्रताप सिंह पर प्रताप रासो लिखने वाले जाचिक जीवन ने अपनी किताब में बताया है कि 1775 तक अलवर पूरी तरह जयपुर से अलग एक नई रियासत बन चुका था। इस तरह महाराजा प्रताप सिंह अलवर के पहले राजा बने। उनके बाद अलवर की राजगद्दी पर बैठे उनके बेटे बख्तावर सिंह। कहते हैं कि बख्तावर सिंह की मराठों से अनबन हो गई, इसीलिए मराठों और अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। 14 नवंबर 1803 में अंग्रेजों और अलवर के बीच संधि हुई और अलवर बन गया पिंसली स्टेट। अब अलवर में शांति थी और बख्तावर सिंह यहाँ खूबसूरत सिटी पैलेस बनवाने में जुटे थे।
उन्हें लिखने का बहुत शौक था और वो बख्तेश नाम से कविता लिखते थे। उस दौर में बख्तावर सिंह और उनकी दासी मूसी महारानी के बीच अफेयर के चर्चे दूर दूर तक थे। अपनी दासी मूसी से उन्हें एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था बलवंत। हालांकि बख्तावर सिंह की असली रानी को कोई बेटा नहीं था, इसीलिए उन्होंने विनय सिंह को गोद ले लिया। लेकिन बख्तावर सिंह के निधन के बाद अलवर की राजगद्दी को लेकर विनय सिंह और बलवंत सिंह दोनों में झगड़ा हो गया। जब यह झगड़ा बढ़ा तो परेशान होकर अंग्रेजों ने इन दोनों को ही अलवर का राजा बना दिया। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि एक ही रियासत के दो राजा थे, इसीलिए राजदरबारियों ने इसका विरोध किया। तब अंग्रेजों ने नीमराणा और तिजारा का हिस्सा देकर बलवंत सिंह को अलग कर दिया। अब अलवर का राज विनय सिंह के हाथों में था, जो अपने नाम की तरह ही विनयशील थे। तभी तो उन्होंने अपने पिता बख्तावर सिंह के साथ साथ उनकी दासी मूसी महारानी की छतरी भी बनवाई। ये 80 खंभों वाली दो मंजिला छतरी थी जो बेहद खूबसूरत थी। वहीं अपनी रानी शीला के लिए उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत झील बनवाई जिसे सिलिसेड कहा जाता है। कहते हैं कि ये झील और इसके किनारे बने महल इतने खूबसूरत है कि इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। नंदन कानन यानी कि इंद्रदेव के स्वर्ग का बगीचा। खैर, विनय सिंह के बाद राजा बने उनके बेटे मंगल सिंह। कहते हैं कि उस दौर में राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अंग्रेजों ने अलग से एक स्कूल बनवाया था जिसे मेयो कॉलेज कहते थे। मंगल सिंह इसके पहले स्टूडेंट थे जो हाथी पर बैठकर अपने स्कूल जाया करते थे। मंगल सिंह के दौर में ही 1857 की क्रांति हुई जिसमें उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इसलिए मंगल सिंह के देहांत के बाद अंग्रेजों ने खुशी खुशी उनके बेटे जयसिंह प्रभाकर को राजा बना दिया। जयसिंह की स्कूलिंग भी मेयो कॉलेज से ही हुई थी। वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह और बड़ौदा के महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ के क्लासमेट थे, लेकिन वो बाकी के राजाओं से काफ़ी अलग थे। उन्होंने अलवर के डेवलपमेंट पर काफ़ी ध्यान दिया। बाल विवाह, बेमेल विवाह और तंबाकू को उन्होंने बैन किया। मृत्यु भोज पर भी पाबंदी लगाई और अपनी माँ के मरने पर भी उन्होंने मृत्यु भोज नहीं दिया। उन्होंने ही अलवर में पंचायती राज कायम किया था। उन्होंने ही विजय मंदिर पैलेस और सरिस्का में खूबसूरत महल बनवाए थे। जब वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने ये तक कह दिया कि वो अलवर का राज जनता को देना चाहते हैं। इंडियन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जयसिंह को कई भाषाएं आती थी, लेकिन वो कहते थे कि जब अंग्रेज अपनी भाषा नहीं छोड़ते तो हम अपनी भाषा क्यों छोड़े। उन्होंने ही चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल रखा और हिंदी को अपनी राजकीय भाषा बनाने वाले दूसरे राजा बने। उनके अलावा भरतपुर के राजा किशन सिंह ने ही हिंदी को भरतपुर की राजकीय भाषा का दर्जा दिया था। किशन सिंह वो राजा जिन्होंने रोल्स रॉयस गाड़ियों से कचरा उठवाया था। कहानी ये है कि वो एक दिन लंदन में रोल्स रॉयस के शोरूम में गए, जहां उनके कपड़े देखकर शोरूम के स्टाफ ने उनका मजाक बनाया। इस बात से खफा होकर उन्होंने कई सारी गाड़ियां एक साथ खरीद ली और उन पर झाड़ू बंधवा कर उन्हें पूरे भरतपुर में घुमाया। ये गाड़ियां सुबह सुबह सड़कों पर सफाई करती और कचरा उठाती थी। ये खबर जब अखबारों की सुर्खियां बनी और ये तस्वीरें जब अखबारों में छपी तो शोरूम ही नहीं बल्कि कंपनी के मालिकों ने भी उनसे माफी मांगी। कई इतिहासकार कहते हैं कि ये जयसिंह ने किया था, जबकि ब्रिटिश रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ऐसा करने वाले राजा भरतपुर के किशन सिंह थे। खैर, जयसिंह के बारे में कहा जाता है कि वो अपने वक्त से कई आगे थे और कट्टर देशभक्त थे। इतने कि खुद मोतीलाल नेहरू ने उनके बारे में कहा था कि अगर जयसिंह राजा ना होते तो वो बहुत अच्छे राजनेता होते। हालांकि इंडियन रिकॉर्ड्स जिन महाराजा जयसिंह की इतनी तारीफ करते हैं, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स उन्हीं जयसिंह के बारे में लिखते हैं कि वो राज्य की जनता पर बहुत ही जुल्म ढाते थे और वो किसान विरोधी थे। 14 मई 1925 को नीमूचाणा में जब किसानों की शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, तब भी अलवर के कमांडर छाजू सिंह ने किसानों पर गोलियां चलवा दी थी। इसमें कई किसान मारे गए
और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। यहाँ पर भी किसानों की हत्या का आरोप महाराजा जयसिंह पर लगा। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में उन्हें लेकर एक और घटना का जिक्र मिलता है। हुआ यूं कि एक बार जयसिंह शिमला गए, वहां उन्होंने एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की, लेकिन इस पार्टी में लेडी वॉइसरॉय अपने पेट डॉग को अपने साथ लेकर पहुंची। उन्हें पार्टी में एंट्री नहीं दी गई और उनसे कहा गया कि पार्टी का न्योता सिर्फ उनके लिए था, उनके कुत्ते के लिए नहीं। जब इस बात पर बहस होने लगी तो लेडी वॉइसरॉय को भी अंदर नहीं आने दिया गया। अब एक तो अंग्रेज जयसिंह से पहले ही खफा थे, ऊपर से उनकी इस हरकत ने अंग्रेजों को और उकसा दिया। यही कारण था कि अंग्रेज जयसिंह को अलवर की गद्दी से हटाने की प्लानिंग करने लगे। साल 1933 में उन्हें ये मौका मिल भी गया। वो ऐसे कि अलवर के इस इलाके में बहुत से मेव मुसलमान रहते थे जो आम तौर पर खेती किया करते थे। अलवर का ये इलाका सेंधो यानी कि अरावली के जंगलों से घिरा था। इन जंगलों में महाराजा जयसिंह शिकार खेलने जाते थे, इसी वजह से यहाँ जंगली सुअर भी पाले जाते थे। ये सुअर किसानों की खड़ी फसल को तबाह कर देते थे, इसीलिए मेव किसानों ने आंदोलन कर दिया। उनकी मांग थी कि खेतों में घुसने वाले सुअरों को मारने की परमिशन दी जाए। मेवों के आंदोलन के कारण जयसिंह ने परमिशन भी दे दी। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है मोहम्मद हादी की। हादी को लगा कि आंदोलन करके राजा से अपनी सारी मांगे मनवाई जा सकती है, इसीलिए उसने अंजुमन खादिम उल इस्लाम नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और मेव किसानों को भड़काना शुरू कर दिया। उसने ये मांग रखी कि मेव मुस्लिमों के लिए अलग से स्कूल बनवाए जाएं, मस्जिदों को सरकारी नियंत्रण से बाहर रखा जाए और मेव लोगों को सरकारी नौकरियों में प्रायोरिटी दी जाए। कहते हैं कि इसके बाद गुड़गांव के एक मेव नेता चौधरी यासिन खान ने इन मांगों को लेकर एक आंदोलन शुरू किया और ये ऐलान कर दिया कि अलवर राज्य को खरीफ की फसल पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। उधर राजा जयसिंह प्रभाकर अपने ही राज्य के लोगों को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मेव मुस्लिमों के संगठन से एक शख्स बहादुर खान काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। लेकिन इससे शांत होने के बजाय मेव मुस्लिम मनमानी पर उतर आए। जनवरी 1933 में उन्होंने हिंदुओं के घरों में लूटपाट शुरू कर दी और बहुत से घर जला दिए। वो अंग्रेजों ने महाराजा को पूछे बिना ही अपनी आर्मी अलवर भेजी और आंदोलन को कुचल कर रख दिया। अंग्रेजों ने महाराजा जयसिंह पर आरोप लगाया कि वो आंदोलन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, इसीलिए उन्हें देश निकाला देखकर पेरिस भेज दिया गया, जहां 5 साल बाद यानी कि 1937 में उनका देहांत हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने उनके दूर के रिश्तेदार तेज सिंह प्रभाकर को अलवर का राजा बना दिया। 1944 में महाराजा तेज सिंह प्रभाकर ने यहां पर पावर संभाला। वो हिंदू महासभा और आरएसएस के करीबी थे, इसीलिए आजादी के बाद महात्मा गांधी की हत्या में उनका भी नाम आया। अब क्या सच में तेज सिंह प्रभाकर इस हत्याकांड में शामिल थे? दोस्तों, इसकी पूरी कहानी पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे भी जरूर देखें। खैर, कई इतिहासकार बताते हैं कि मेव मुसलमानों को कट्टर मुस्लिम बनाने के लिए साल 1927 में मोहम्मद इलियास अल कांधलवी ने तबलीगी जमात बनाया था। आजादी के वक्त तबलीगी जमात उन्हें पूरी तरह मुस्लिम बनाने के लिए प्रेशराइज कर रहा था। वहीं आर्य समाज उनकी घर वापसी कराकर उन्हें फिर से हिंदू बनाना चाहता था। इस वजह से उन पर हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों की तरफ से ही इतना प्रेशर पड़ा कि मेव मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों से अलग एक नया राज्य मेविस्तान बनाने की मांग रखी, और जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो अलवर भरतपुर में जबरदस्त दंगे शुरू हो गए। इसीलिए अलवर रियासत का पूरा कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट को अपने हाथों में लेना पड़ा और बाद में अलवर को राजस्थान में मिला दिया गया। बाद के सालों में अलवर का राज परिवार राजनीति में आ गया और इसी परिवार से आने वाले जितेंद्र सिंह आज कांग्रेस के जाने माने नेता है, जिन्हें अशोक गहलोत सरकार का संकट मोचक भी माना जाता है। बहरहाल दोस्तों, इंडियन रिकॉर्ड्स और ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में राजा जयसिंह के बारे में क्या क्या लिखा है ये तो हमने आपको बता दिया,
लेकिन इन दोनों से परे की हकीकत वो लोग बता सकते हैं जिनके रूट्स अलवर से हैं और जिनके दादा परदादा ने ये समय देखा था। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अपने पूर्वजों से उस दौर की हकीकत सुनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमें इस मेल एड्रेस पर मेल भी भेज सकते हैं। खैर, जाने से पहले ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। इतिहास की ऐसी ही दिलचस्प कहानियों को शॉर्ट में सुनने के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।